आ जाओ। जी मामा आ जाए। कहाँ होते हो तुम? तुम्हारा तो कुछ पता ही नहीं चलता कि किस वक्त आते हो किस वक्त जाते हो। खैरियत है? आप ऐसे सवालात कर रही हैं आज? आपको मेरे बारे में सब कुछ पता तो होता है। हाँ पता होता था लेकिन अब नहीं। नहीं तुम ऑफिस में सही ध्यान देते हो, नहीं घर में नजर आते हो, और जब भी फोन करो तुम्हारा फोन ऑफ होता है। होते कहाँ हो तुम? हम इत्तेफाक है कि आपने जब कॉल की होगी मैं एसपी के ऑफिस में हूँ, वहां अक्सर सिग्नल्स नहीं आते। एक तो मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि तुम हर वक्त एसपी के ऑफिस में क्या करते हो। सोनिया ने मुझे बताया था कि उस दिन एसपी के ऑफिस में नूर के वालिद भी मौजूद थे। मुझे जब उनके एक्सीडेंट की खबर मिली थी तो मैंने उन्हें फोन किया था खैरियत पूछने के लिए, लेकिन उस वक्त उनका फोन ऑफ आ रहा था। अब सोच रही हूँ कि पूछना पड़ेगा उनसे मुझे। मामा आपको मेरे बारे में सब कुछ पता है। पता है इसीलिए तो कह रही हूँ। देखो माज मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हारी सोच में तुम्हारे जहन में कहीं ना कहीं नूर जरूर मौजूद है। एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि दो दफा जिल्लत उठाने के बाद अभी तक तुम्हारे जहन पे नूर क्यों सवार है। अब उस घर से और उनसे कोई नाता हमारे हक में बेहतर नहीं होगा। मामा आप नहीं जानती हैं कि उस घर में हुआ क्या है। प्लीज मास, मुझे इस घर से कोई दिलचस्पी नहीं और न ही मैं सुनना चाहती हूँ कि उनके साथ क्या हुआ है। और हाँ सुनो, इसी हफ्ते तुम्हारी मंगनी सोनिया के साथ हो रही है। मामा आप मेरी बात तो सुने। बस मैंने तुम्हारी बहुत बातें सुन ली, अब तुम मेरी सुनोगे। मैंने फैसला कर लिया है कि तुम्हारी शादी सोनिया के साथ होगी तो होगी, और अपने जहन से नूर को निकाल फेंको तो अच्छा होगा।